नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको ये टॉपिक सुन के ही समझ में आ रहा होगा, मेडिकेशन ओवरयूज तो इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं डेफिनेशन में। कुछ लोग होते हैं जैसे माइग्रेन हुआ, टेंशन हेडेक हुआ, क्लस्टर हेडेक हुआ, तो इसके लिए क्या है, पेन किलर खुद ही सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, पैरासिटामोल खा ली या ट्रामाडोल खा लिए, ऐसे खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और खाते रहते हैं। महीने में 15 दिन से ज्यादा खाते हैं, एस्प्रिन खा रहे हैं, कोडोन खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनको मेडिकेशन इंड्यूस हेडेक होगा, मतलब अब वो दवाई खाएंगे तो उनको दर्द में रिलीफ नहीं है बल्कि दर्द और तेज हो रहा है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं मेडिकेशन इंड्यूस हेडेक, सेल्फ मेडिकेशन और बहुत ज्यादा पेन किलर खाने से। अब कैसे डिफाइन करें कि अगर महीने में 15 दिन आप दर्द की दवाई खा लेते हैं 3 महीने लगातार, ये हिस्ट्री हो और उसके बाद दवाई खाने से भी हेडेक ठीक नहीं हो रहा है बल्कि वर्स हो रहा है, और बाकी आपका जैसे एमआरआई है, सीटी है, अदर इन्वेस्टिगेशंस है, आई चेकअप है, न्यूट्रिशन स्टेटस है, वो सब नॉर्मल है, तो ये क्या है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेडेक। इस टर्म को हम बोलते हैं मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेडेक, मतलब दवाई खाने से सर में दर्द होना, ये टर्म हो गई मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेडेक की, ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हेडेक रहा प्राइमरी हेडेक, प्राइमरी में यही हो गया आपका माइग्रेन, क्लस्टर और टेंशन हेडेक, तो इसको ठीक करने के लिए दर्द की दवाई खाते हैं, उस समय तो रिलीफ मिल रहा है पर उसके 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको दवाई काम नहीं कर रहा है। ये हो गया डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इसको ट्रीट करने की, तो ट्रीटमेंट में यही है, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग, ट्रीट द कॉज, भाई दवाई खाने से ही हेडेक आया है तो दवाई बंद करें। कई बार क्या है, दवाई बंद नहीं कर पा रहे तो उस दवाई का डोज रिड्यूस करें और प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन इसमें स्टार्ट होगा, जैसे पैरासिटामोल वगैरह ले रहे हैं तो उसको बंद करके दूसरा प्रोलॉन्ग एक्शन वाला मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे 15 डेज के लिए, प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस दे सकते हैं तो, और लाइफस्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन चेंजेस, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा पेशेंट को, और ऑफेंडिंग ड्रग को हमें बंद करना होगा या डोज कम करना होगा। अब बात करते हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो ट्रीटमेंट में क्या क्या दवाइयां हम यूज कर सकते हैं, जैसे एमेट्रेप्टालिन यूज कर सकते हैं, नेक्सटॉम यूज कर सकते हैं, पर कितना डोजेस कितने समय तक ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग। बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, पर प्रोफाइलेक्टिक डोजेस के साथ साथ हमें पेशेंट को थोड़ा सा पेन रिलीफ के लिए भी देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें रहेंगी, लाइफस्टाइल, और ये बताना होगा कि ये ओवर यूज ना करें मेडिकेशंस, तो पेशेंट एजुकेशन। फिर अब बात आती है कि भाई मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, कुछ पेशेंट पूछते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया तो अब मेरे को कितना दिन लगेगा ये मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेडेक को ठीक होने में, ओवरडोज ओवरयूज। तो इसमें देखो जनरली 3 से 6 महीना लग जाता है ठीक होने में, जिससे आप सिम्टम्स फ्री हो सके, ठीक है। पर वो कैसे होगा, पहला लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, ऑफेंडिंग ड्रग को स्टॉप करना है एनी हाउ, और प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन पे हमें आना है, और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी ऐसा लगता है कि मेडिसिन इंड्यूस्ड मेडिसिन ओवरयूज हेडेक हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड बाय।